मैं पहले ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कह देता हूँ कि पिक्चर्स काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो कई लोग जो दिल के कमज़ोर हैं कृपया करके इन वीडियो को ना देखें। दरअसल हम एक क्रेमेटोरियम यानी कि एक फ्यूनल ग्राउंड के बाहर हैं। ये शास्त्री नगर का एरिया है जहाँ पर कोविड से जुड़े और कई सारे और लोग जिनकी मृत्यु होती है उनको यहाँ पर क्रीमेट किया जा रहा है, और लगातार पिछले कई दिनों की बात करें तो यहाँ पर जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए कल की अगर बात करें तो 23 से ज़्यादा मौतें, जिसमें से 14 से 15 कोविड पेशेंट, इसके अलावा आज भी 9 से 10 कोविड पेशेंट जो हैं वो आए हैं। अभी अंदर लेके चलते हैं, क्या कुछ पूरा यहाँ पर होता है वो आपके साथ सारी तस्वीरें साझा करेंगे। कोरोना वायरस के मरीज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता ये है कि कोरोना की सेकेंड वेव पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड का स्ट्रेन जवानों और बच्चों को भी अपने चपेट में ले रहा है, जिसकी वजह से पहली वेव के मुकाबले ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी आए दिन कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ये बन चुके हैं कि शहर की कई शमशान घाटों में भीड़ उमड़ी दिखाई देती है। चंदन और उसके साथी पिछले कई सालों से पीढ़ियों दर पीढ़ियां शमशान घाट में अंतिम संस्कार करवाने का काम कर रहे हैं। अंतिम संस्कार करवाने के लिए लकड़ी से लेकर हर जरूरी सामान शमशान घाट पर मुहैया करवाना चंदन और उसके साथियों का ही काम है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालात ऐसे बने हैं कि रोज 20 से 25 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करवाते करवाते सब थक चुके हैं, लेकिन करे भी क्या। मेरी 31 साल हाँ जी। स्टार्टिंग तो ये करते रहे? हाँ जी, मैं बचपन तो ये काम करता। हाँ जी। किन्ना एक रश होता है रोज, अगर कोविड के पहले किन्ना रश होता है? पहले तो कोविड तो पहले तो बद तो बद कद 5-6-7-8-9 हो जाने बद तो बद, अजकल 10-15 भी हो रहे हैं। कल 23 संस्कार होए ने इत्थे। अच्छा। हाँ, ये 21 कुंड बनाए दे ने जी। अच्छा, 21 कुंड। हाँ, तो कल उनदियां 23 होए ते फिर किस तरह कीता? 23 थोड़े संस्कार अभी इतने बाहर किए ने। अच्छा। कुछ बिच थोड़ी जगह उन्होंने बिच जगह बची दी है छड़ी दी, उन्होंने बिच किए ने संस्कार। चंदन का कहना है कि कई सालों में ना उसने ना ही उसके बुजुर्गों ने ऐसा नज़ारा देखा जहां एक दिन में इतने शव हो जाते हैं कि उनकी चिता जलाने के लिए जगह तक नहीं मिलती, जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें शेड के बाहर भी संस्कार करवाने पड़ते हैं। चंदन का कहना है कि कई बार लकड़ी तक खत्म हो जाती है और फिर इन्हें परिजनों को स्वयं लकड़ियों का इंतजाम करवाने का आग्रह करना पड़ता है। हाँ, लकड़ी भी हूँ बेशक लकड़ी मुकना ली है, थोड़ी रह गई दी है, जो 2-4 दिन हो रही है रहा तो लकड़ तो सारी खत्म हो जानी है। हाँ हाँ। इलावा मैं दसो जो लोग आते हैं तो डर नहीं लगता आते जो भाई अपने कोविड? देखो अभी बड़ा समझाने उन्होंने भी अगे पिछे हो जाओ, फिर भी लोग बदो बदी उपर चढ़े रहते हैं। तो डर नहीं लगता? डर महाराज डर तो लगता, हूँ के करना, काम भी करना जरूरी है, नहीं करिए तो फिर लोग के करना, जे अही नहीं करांगे तो फिर कौन करेगा, करना तो पैना, गुजारा तो हो जाता जी। देखो जी, मतलब जोड़ा सानू पैसे देंगे ने लोग, उतने सू 400 रुपया उन्होंने लिखा था बिच। अच्छा। 400 रुपया लिखा था तो 400 कने अं 4-5 जने, 4-5 जने का नहीं होंगे गुजारा इन्हें 400 रुपये कने एक कमीशन का। फिर के डिमांड करते? कुछ होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब कोई तनखा का करन कोई साधन तो फिर बंदा, चलो बंदे कोई सारे का कुछ हो बन जाता कि बंदे नू कोई आस होंगी भी सानू तनखा मिले करती है। जी अस देखते हैं ना, गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया कि जो हेल्थ वर्कर अगर कोई मरी आते उन्होंने पैसे लगन, इधर रस्ते कोई नहीं अनाउंस होना? हले तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई जी। किसी को परेशानी हुई अज तक कोविड की? हले कोई परेशानी नहीं। नरेश कुमार T2 पिछले 20 सालों से अंतिम संस्कार की विधि करवाते हैं, पर वह भी मानते हैं कि ना ही उन्होंने और ना ही उनके पिताजी जो 35 साल यहाँ यही काम करते रहे हैं ऐसा नज़ारा उन्होंने देखा होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा आंकड़ा कोविड से मरने वालों का है।
असें साढ़े पिता जी ने इत्थै कोई 35-40 साल काम किया जी, ओहदे बाद च कि कोई 20 साल भी मैं भी रैगूलर काम करदा। मेरा नाम नरेश कुमार, इं टी टू आखते हैं, मैं पंडित है, पंडताई का काम करना जी। अच्छा। रौने वाला मैं कठुआ का, ग्रां का एक। इं तो 2-4-5 हो जो पंडित हैं, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 ये कोई बद नहीं है। लेकिन इस वेल जी ना करोना वाली पाई है लाई पाई है 20, 21, 18, 16, 15, 18 5-7 दिन का चला वा। फिर इतने देखो करना तो पौधा ही कुछ किसी इतने कराने कुछ उधर कराने सारे जने कुछ खज्जल नहीं हो जाते। टाइम 10 मिनट लेट हो सकता है, बाकी अभी खज्जल कुछ नहीं हो देता। डर नहीं लगता बंद आते जे सर डरीये हूँ बेचारे मैडिकल आए जो भी डरीये तो अस भी डरीये तो कौन कर गिंदा बेचारे का, कौन करेगा। बाकी मरना जीना रब हथ गल है, जो अपना करतब है वो करना सर। नहीं जी जमदे जमे दें अभी पहली बार देखे साहब, मैं इतना रैगूलर काम सर रैगूलर मैं 20 साल हो आते को अपने पिता हमें को आता हाँ। मैं कोई जिस वे मैं कठुआ जम्मू आता ना उस वे 5 रुपये किराया हा बस का, तो इस वे सर 100 रुपये किराया है। ठीक है, मैं पिता हमें आना बेचारे ने मदद करना अगर पिछले चलता हाँ। तो उस वे अभी देखते 2-3-4 होंगे हे, तो महाराज हूँ रोज़ के 15-16-20, 18-15-16-20 चलते। जम्मू ज़िले के अंदर आने वाले शास्त्री नगर शमशान घाट में कोविड से मरने वालों का संस्कार किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक कई सारे मैसेज एक व्हाट्सएप ग्रुप में यहां के इंचार्ज को मिलते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि कितनी चिताएं इन्हें तैयार करनी चाहिए। मैसेज आने के बाद लकड़ियों का इंतजाम करने में चंदन और उसकी पूरी टीम जुट जाती है। अभी इनके कोविड से मरने वालों की 9 संख्या बताई गई है, जिनका शास्त्री नगर क्रीमेशन ग्राउंड में संस्कार होगा। उसके हिसाब से ये टीम अब चिताएं तैयार कर रही है। परिजन यहां पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, पर उससे पहले आपको बता दें कि आज 3 एम्बुलेंसेज में 9 मरीज आए, जिनमें 2 एम्बुलेंसेज में 4 पार्थिव शव थे, जो कि अपने आप में डराने वाला सीन था। पीपी किट्स पहने ये लोग तैयार हैं कि इनके परिजन जिसकी मौत कोरोना से हुई है, कब उनके शव को बाहर निकाला जाए एम्बुलेंस से और वह संस्कार करवा सकें। रोज म्युनिसिपैलिटी के इन 4 लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि वह पीपी की पहनकर पहले शवों को एम्बुलेंस से बाहर निकालेंगे और फिर संस्कार करवाएंगे। इस सब प्रक्रिया के बाद सभी परिजनों को पीपी किट्स खोलने के बाद ही नीचे उतरने दिया जाता है। हालात ऐसे हैं कि जहां एक व्यक्ति की मौत पर सैकड़ों लोग आते थे, आज सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही परमिशन दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन तरफ कोई सपोर्ट आया किस तरह दी? कोई सपोर्ट नहीं सर। हां, सिर्फ एक मैसेज आता है कि जां सानू कोई थोड़े बहुत बंदा कोई दस्ताने या कोई ग्लव्स या ये चीजें ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਹੈਲਮੈਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਕ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, 2 ਡੱਬੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਹੋਈਏ, ਤਰਕੂਟਾ ਨਗਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਐਕਟੋ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਫੂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਠੂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੀ ਦੇ। कोरोना की ये बीमारी ज़रूर ही बहुत खतरनाक है, लेकिन इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और रामबाण इलाज है मास्क पहनना और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना। आदमी जिनको मनना में बीमारी होगा कोरोना, लेकिन कोरोना कोरोना एक दहशत बड़ी बड़ी बनी लोगों असी सारे लोग अगर प्रार्थना करना चाहते हैं, इन्हें घबराना नहीं, कोई दुख मुसीबत मुकाबला करो, टक्कर करो, घबराना नहीं, पिछड़ा नहीं हटना, ਜੇ ਡਰੀ ਤਾਂ ਭਲੇ ਮਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ।